हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस लेट पोस्ट करने के लिए सॉरी। सो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई दूज वाला मैंने कपड़ा पहना है, तो सेम डे का है एक्चुअली। ये कल की क्लिप है, कल की परसों की, और छठ पूजा के लिए जो क्या कहते हैं गेहूँ तैयार करना रहता है उसमें एक भी कंकर क्रीजो भी होती है वो नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं सारा मतलब मैं, मम्मी और मेरी दीदी, हम तीनों मिलके सारा गेहूँ साफ़ कर रहे थे। उसके बाद उसे धो करके आज के दिन, यानी कि आज नहाई खाई है, सो आज के दिन अभी मेरे छत पर सूख रहा है, तो उसकी भी वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, जो आगे में बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। सो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारे गेहूँ अपने साफ़ कर लूँगी। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे में 5 से 10 किलो तक गेहूँ साफ़ किया था हमने, तो हम तीनों ने मिल करके। और कैसे हो आप लोग किसके यहाँ पे छठ पूजा होती है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये जान के बहुत खुशी होने वाली है। सो ये है कल की क्लिप, यानी कि 17th of November, और मैं एक्चुअली गई थी थोड़ा सा मार्केट, इस वजह से मैंने यहाँ जीन्स पहना हुआ है। तो यहाँ पे आज के लिए मतलब कि आज नहाई खाई के लिए, तो छठ पूजा जिनके घर होता है उनको पता होगा कि छठ पूजा के लिए जितने भी सारा सामान बर्तन होता है वो अलग रखाता है, वो अलग होता है। तो इसी के लिए हमारा सारा बर्तन ये ऊपर में जो अलमीरा टाइप का होता है वहाँ पे रखा रहता है सारा। तो इस वजह से ये 2 बार से छठ पूजा तो होनी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी घर पे इस वजह से, तो इस वजह से काफ़ी गंदा हो गया था ऊपर में। तो मैं सारा बर्तन यहाँ पे अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, और क्या बोलूँ इसी तरीके से हमारा काम वाम चल रहा है। तो आप वीडियो को एंजॉय करो। सारे बर्तन निकलने के बाद उसे धोना भी तो ज़रूरी है। तो ये कल दोपहर की क्लिप है, आई थिंक 1:30-2 बज रहे होंगे तब की। सो तब ये सारा बर्तन मम्मी ने जितना बड़ा बड़ा बर्तन था वो सारा मम्मी ने धो दिया, बाकी जितना छोटा ग्लास कटोरी थाली वाली था ये सब मैंने और मेरी छोटी बहन ने मिलकर साफ़ किया था। मैं धो रही थी और वो उसे साफ़ कर रही थी। सो इसमें ये चीज़ था कि बहुत बहुत मज़ा आता है छठ पूजा में, जिसके घर होता है उसको तो पता ही होगा, घर में मतलब अलग ही माहौल होता है, अलग ही शांति, एकदम चहल पहल, शांति बोले चहल पहल, बहुत मज़ा आता है। तो ये वाला जो क्या है, ये कढ़ाई, सॉरी मेरी कहाँ से दिमाग से निकल गया था, कढ़ाई। और हमारे यहाँ पे थोड़ा बर्तन ज़्यादा है पूजा वाला, क्योंकि मम्मी पहले नवरात्रि करती थी 9 दिन कन्या पूजन का, तो 10 थाली सब कुछ 10-10 के फॉर्म में, या उससे ज़्यादा भी। हम लोग कन्या खाने के लिए कहीं जा रहे थे छोटे में, तो उसका बर्तन सारा पूजा वाले में ही रखा जाता था इस वजह से। तो ये सारे बर्तन ऑलरेडी धो करके रखे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी जब दोबारा यूज़ करने के लिए इसे दोबारा पूरी अच्छी तरीके से इसी तरह क्लीन करके यूज़ किया जाता है, और जब इसे दोबारा रखा जाता है अगले बार की पूजा के लिए तो इसी तरीके से रखा जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, चिंता मत करिएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और आपको इस तरह की वीडियोज़ देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो ये वाला बर्तन जो आप ये 2 केस देख रहे हो भर के होता है, बहुत सारा तो अभी निकल गया है पूजा के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, बाय, हैप्पी छठ।